और इसकी ग्राउंड वगैरह तैयार हो रही थी, और इस टाइम देख लें इसकी ग्राउंड सारी तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर प्राइमर लगा हुआ है और इसकी ग्राउंड इस टाइम तैयार हो रही है। इसकी मैंने आपको पहले दिखाया था कि डेंटिंग वगैरह हमने कर ली थी। ज़ाहिर है पुराने दरवाजे होते हैं तो इनके ऊपर डेंट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पर देखें ज़रा, एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये तीन जो है ना ग्रुप बैठ के आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। एक ये करोला है, ये सिटी है और ये सिविक है। ये तीन, ये इसका पैनल काट के नया लगा दिया गया है, उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि यार इसका पार्ट 3 नहीं आ रहा और वीडियोज़ नहीं आ रही, क्या वजह है? शॉर्ट वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा था। एक तो वजह ये थी कि गाड़ी का काम हो रहा है, इसके ऊपर अपना मेन इसका पेंट होना था तो पेंट का काम रुक गया। उसकी वजह आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, वो वीडियो देख लेना। उसके अलावा यार एक गली भी निकली थी नीचे से, इसका जब हमने कारपेट उठाया नीचे से इसका फर्श गला हुआ था। तो अब जब सारी गाड़ी तैयार हो ही रही थी तो हमने कहा फिर यार वो फर्श भी लगा देना, तो वो फर्श लगा रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और कुछ और छोटे छोटे काम थे इसके, वो भी आज की वीडियो में आपको दिखा देंगे सारे। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। 2 सेकंड लगने हैं आपके, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको दबाओ, सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि और नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और वो कौन कौन से हैं ये देख लें। ये बैक साइड पर ये जो होंडा सिटी खड़ी हुई है, ये एक्सीडेंट है बैक से भी और फ्रंट से भी, ये तैयार हो रही है। उसके अलावा ये करोला देख सकते हैं, ये करोला नीचे से डैमेज है, ये भी तैयार होगी। इनकी शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं। वो समझ लेंगे एक टीज़र है छोटा सा, तो वो आगे मैं इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट इसके प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। और ये सिविक तो तैयार हो रही है ना, अभी इसी की ये एपिसोड है। इसके अलावा एक और सिविक है, सिविक एक्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली सिविक एक्स है, तो ये गाड़ी का जो है ना गियर ख़राब है, ये पड़ा हुआ गियर इस टाइम पर। और उसके अलावा ये मेहरान भी तैयार हो रही है, तो ये गाड़ी भी आपको दिखाऊँगा और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहले मैंने आपको दिखाया था इसकी छत वगैरह हमने लगा ली थी, और अब मैं आपको बाकी गाड़ी का दिखा देता हूँ, बॉडी का कि कहाँ तक पहुँच गई। इसका बोनट देख लें, बोनट ना इसका हमने नया डाल दिया है, ये नया मंगवाया था। इसकी लाइट्स दोनों बफ हो चुकी हैं। बोनट आपको उठा के दिखाता हूँ। अभी ये बाहर से तो इसके ऊपर पेंट नहीं लगा, अभी जो इसका ओरिजिनल कलर आता है वही है। ये आपको मैं बोनेट खोल के दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें, ये बोनेट के अंदर जो है ना हमने बेस कोट लगा दिया है, बल्कि बोनेट के अंदर से फाइनल पेंट लग गया इसको। और चेक करें क्या ज़बरदस्त पेंट की शाइन निकली है, और बड़ा ज़बरदस्त आया पेंट, ये इसके अंदर लग चुका, अंदर से फाइनलाइज हो गया। अब बाहर से गाड़ी पेंट होनी है और इकट्ठा पेंट करेंगे सारी गाड़ी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी राइट साइड, ये इस टाइम राइट साइड देख लें। पहले आपको मैंने दिखा दिया था सारी इसकी हमने बॉडी की डेंटिंग कर ली थी, तस्वीरें वगैरह अगर मेरे पर पड़ी हुई तो स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। और अगर नहीं देखी आपने वीडियोस वगैरह तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं इसकी पुरानी वीडियोज़ जिसमें हमने इसकी डेंटिंग की थी सारी। इसमें ये देख लें इसका ये फेंडर, इसकी डेंटिंग करने के बाद इसके ऊपर बॉडी फिलर लगा हुआ है, इसी तरह इसके दरवाजे के ऊपर भी लगा हुआ है, पीछे वाले दरवाजे पर भी लगा हुआ है। पीछे वाला दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ, ये ग्राउंड बन रही है इसकी, इसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया हुआ है इस टाइम पे। इसमें जब इसकी दोबारा रगड़ाई होगी फिर इसमें हमें पता चल जाएगा इसमें कहीं वेज वगैरह तो नहीं है, इसे फ्लैट कर देंगे फिर। इसी तरह ये पीछे वाला क्वार्टर पैनल देख लें, इसकी भी डेंटिंग हो गई थी, और ये इसके पिलर जहाँ पे वेल्डिंग की है उस जगह पे भी ये फिलर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी सारी सेटिंग की है, इसकी यहाँ से पैमाइशें चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह शीशे के बीच में से कि बिल्कुल जो है ना इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह ये छत जो लेके आए थे इनके ऊपर भी ज़ाहिर डेंट्स वगैरह होते हैं, पुरानी होती हैं, तो इसकी भी डेंटिंग हो रही है, और डिग्गी की भी डेंटिंग होनी है, डिग्गी की नहीं भी शुरू हुई। अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, तो यहाँ पर आपने पहले देखा था कि ये जो पिलर है इसका, जो पुरानी छत लगी हुई थी उसमें ये पिलर यहाँ से नीचा था, ठीक है, पिलर इसका नीचा था। जिसने पहले बनाई थी छत उसने ये चीज़ें नहीं थी चेक की, पिलर इसका नीचे था और जिसकी वजह से ये दरवाजे आपस में यहाँ से जुड़ गए थे और नीचे से खुले हुए थे, इसकी ये सेटिंग नहीं थी सही। तो इसकी सेटिंग ये, अभी इसका जो ये दरवाजे का गाज है ऊपर वाला, अभी इसने अंदर जाना है, ठीक है, अभी थोड़ा सा बाहर है यहाँ से, और इसकी इसकी भी सेटिंग ऊपर होनी है, अभी बैठा नहीं भाई है। तो ये ऐसे बैठेगा अंदर और बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब गोला लग जाएगा इसके तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, जगह प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ, तो दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से ही था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसके ना पिलर बैठे हुए थे, ये पीछे वाला भी बैठा हुआ था,
और ये बी पिलर जो होता है ये भी बैठा हुआ था, इसका भी गज बाहर है ठीक है, इसका गज भी अंदर जाना दरवाजे का इस तरह से, फिर ये पूरा बैठ जाएगा। अभी दरवाज़ा भी वैसे खुला हुआ है, ये देखें यहाँ से तो दरवाज़ा बैठ गया पूरा, इस जगह से भी इसका गज अंदर जाएगा तो ये भी बैठ जाएगा, इसको भी प्रेस करना है यहाँ से ठीक है। पहले आपने देखा था इसकी भी सेम सिचुएशन थी, ये वाले पिलर की भी, ये ऊपर से दरवाजे या से अंदर की तरफ यहाँ पे स्पेस कम थी और नीचे स्पेस ज़्यादा थी, उसकी वजह क्या थी कि ये छत यहाँ से डाउन है जिसकी वजह से ये इसकी एडजस्टमेंट गलत हो गई थी, तो ये इसको सही किया अभी जब छत चेंज किया तो इसमें ये इसकी फिटिंग सही किया। इसी तरह ये वाला देख लें, ये भी तैयार हो गया, इसके ऊपर अभी इसकी ग्राउंड वगैरह बना रहे हैं हम ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैंने बताया था आपको कि ये दरवाज़ा हमने चेंज करना है यार, ये बोनेट पड़ा हुआ असल में ये गाड़ी का, ये होंडा सिटी एक्सीडेंट आई है हमारे पास तो इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये इसका बोनेट पड़ा हुआ अभी, इसको मैं यहाँ से उठा के साइड पर करता हूँ। तो जो इसके मतबादल हम दरवाज़ा लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उसकी हमने डेंटिंग वगैरह कर ली हुई है और डेंटिंग करने के बाद वो तैयार भी कर ली है। अच्छा जी, ये दरवाज़ा आ गया जी गाड़ी का जो मैंने आपको बताया हमने रिप्लेस करना है। इस टाइम आप देख रहे हैं इसके ऊपर बॉडी फिलर लगा हुआ है, इसकी मैं आपको पुरानी फ़ोटो दिखा देता हूँ जब हमने इसकी डेंटिंग वगैरह कर ली थी, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे दरवाजे की डेंटिंग की थी। जाहिर है पुराने दरवाजे होते हैं तो इनके ऊपर डेंट्स वगैरह होते हैं, तो इनकी प्रॉपर डेंटिंग करने के बाद इनको तैयार किया जाता है। तो डेंटिंग करने के बाद ये देख लें अब इसके ऊपर बॉडी फिलर लगा हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम ही लगा इसके ऊपर, पहले जो इसके ऊपर कोई इस तरह के प्रोटीन वगैरह का सीन नहीं था। अभी ये भी जब इसकी रगड़ाई होगी अच्छी तरह, इसको फ्लैट करेंगे तो ये भी ऊपर ऊपर से उतरेगी, जो सिर्फ स्क्रैचेज होंगे वो कवर कर लेगी ठीक है। और कवर करने के बाद जो है इसको ब्लैक पेंट कर देंगे सारे को, और गाड़ी के ऊपर लगा के फिर इसके ऊपर फाइनल पेंट होगा। तो ये आज की अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है, और बाकी गाड़ी यहाँ पर अभी खड़ी हुई है ठीक है। इसका बम्पर आपको मैं बता दूँ, फ्रंट बम्पर इसका हमने नया मंगवा लिया हुआ है, और वो हमने ऊपर अपने जो है ना स्टोरेज जगह पर रखा हुआ है। तो बस अब यही काम है जी इसका, इसके ऊपर अब ग्राउंड इसकी बननी है और उसके बाद इसके ऊपर पेंट होना है, जस्ट अब मेन काम यही इसका रह गया, उसके बाद फिर इसकी जो फिटिंग वगैरह होगी वो सारी अंदर से शुरू करवा देंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों आज गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक काम हो चुका है इसका। बोनेट आपको मैंने दिखाया था पहले कि हमने चेंज कर दी है, और इसकी ग्राउंड वगैरह तैयार हो रही थी, और इस टाइम देख लें इसकी ग्राउंड सारी तैयार हो चुकी है, और इसके ऊपर प्राइमर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर का प्राइमर है ये लगा हुआ है इसके ऊपर, पूरी गाड़ी के ऊपर जाने लगा ली है, ये देख सकते हैं। अभी आपको मैं आगे जाके भी दिखा देता हूँ ठीक है, और इसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगी सारी फिर इसके ऊपर पेंट जो है ना स्टार्ट करेंगे, पेंट जॉब स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। इस टाइम इसमें देख लेते हैं क्योंकि टक वगैरह तो नहीं रह गए कहीं पे, कोई निशान तो नहीं है, तो उनको कवर अप कर सकते हैं हम। ये देख लें ये इसकी छत वगैरह, इसको भी सारा प्राइमर लग चुका है, वाइट कलर की छत थी और ये हो गई है तैयार। अब यहाँ से कोई बंदा देख के पहचान नहीं सकता कि भाई कहाँ से तैयार हुई थी, अब आप खुद देखें आप मुझे बताएं कि कहाँ से हमने काटी थी और कहाँ से चेंज की थी, को पता लग रहा है नहीं पता चलता इस तरह से। इसी तरह ये वाली साइड देख लें, यहाँ पर अभी अंदर वाली साइड पर लगना है ठीक है, अंदर वाली साइड पर अभी पेंट वगैरह नहीं लगाया कुछ भी, अब ये अंदर वाली साइड की ग्राउंड वगैरह तैयार कर रहे हैं। और ये देख लें ये साइड पूरी देख लेंगे, इसकी लाइंस वगैरह चेक करेंगे, ज़बरदस्त बन गई हैं ठीक है। ये बैक साइड इसकी देख लें, पूरी गाड़ी के ऊपर ना प्राइमर लग गया हुआ है, ग्राउंड इसकी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदर वाली साइड जो है इसके अंदर वाले पिलर उनके ऊपर अभी बॉडी फिलर लगा हुआ है और उनकी ग्राउंड बना रहे हैं, जैसे ये पिलर देख लें और इस तरह ये वाला पिलर भी देख लें, इसकी भी ग्राउंड बन रही है। दरवाज़ा खोल के आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, अंदर से तो खुली हुई थी सारी, इसके अंदर वाली साइड जो है पिलर की ये देखें, यहाँ पर भी सारा ये पिलर लगा हुआ है और ये भी तैयार हो रहे हैं अंदर से, जैसे ही अंदर से तैयार हो जाएंगे अंदर से भी इसको फिर बेस कोट एक लग जाएगा। अब दूसरी साइड देखते हैं इसकी जाके, और दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं, ये देखें ये लेफ्ट साइड है और ये देखें ये भी सारी तैयार है। ये दरवाज़ा आपको मैंने जो बताया था कि चेंज करना है, तो वो उसको अभी सेपरेटली तैयार कर रहे हैं, उतारा हुआ है वो लहदा रख के तैयार कर रहे हैं, और पुराना ये पड़ा हुआ इसमें से अभी सामान उतर के लगना है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दरवाज़ा इसका कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें ये इसका दरवाज़ा पड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड का, और इसकी ग्राउंड स्टैंड तैयार हो रही है। इसकी मैंने आपको पहले दिखाया था कि डेंटिंग वगैरह हमने कर ली थी, ज़ाहिर है पुराने दरवाजे होते हैं तो इनके बाद डेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो डेंटिंग करने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो चुका हुआ है।
अब इसके ऊपर प्राइमर लगेगा, उसी तरह इसको उसके ऊपर लगाएंगे और फिर ये पेंट होगा। आज की वीडियो कुछ खास लंबी नहीं, आज जस्ट यही थी। और जैसे इंशाल्लाह ताला ये गाड़ी तैयार होती है फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा इसका। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका पेंट का भी दिखाऊँ कि किस तरह गाड़ी जाना पेंट हो रही है और क्या इसकी फ़ाइनल फिनिश आएगी। और जो भी इसके चार्जेज हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला फाइनल वीडियो में बता दूँगा कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे और पार्ट्स की कीमत भी बता दूँगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से इसकी वीडियो नहीं बना सका गाड़ी की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा काम निकल आया था जिसकी वजह से हम इसके ऊपर पेंट नहीं कर सके। पेंट का काम हमें रोकना पड़ा इसके ऊपर। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर क्या ऐसा काम निकल आया। बाकी ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि इसके ऊपर हमने ये ग्राउंड इसकी बना रही थी और इसके ऊपर ये बेस कोट सारा इसका लगा हुआ है, सॉरी प्राइमर अभी लगा हुआ है, इसके ऊपर बेस कोट अभी लगना है, ठीक है। उसके अलावा इसका हमने बम्पर वगैरह फिट कर लिया था, अभी आपको मैं जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें ज़रा, एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तीन जो है ना ग्रुप बैठ के आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। एक ये करोला है, ये सिटी है और ये सिविक है, ये तीनों आपस में कुछ मशवरे कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या ज़ुबान है, आपस में क्या बातें कर रहे हैं, अब यही जाने। मुझे भाई यहाँ से गुजरने का रास्ता मिल जाएगा, इजाज़त ले कर भाई इनसे यहाँ से निकलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ फिर इसकी प्रोग्रेस। अच्छा ये देखें जी, इस टाइम पर इसका ये फेंडर उतारा हुआ है, उसकी वजह ये थी फेंडर की ग्राउंड तो तैयार हो गई थी लेकिन ये नीचे से इसका पैनल गला हुआ था। इसका साइड पैनल चेंज करने के लिए हमने इसका ये फेंडर उतारा यहाँ से। और एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर पेंट रोक दिया था अभी, क्योंकि इसका जो है ना, एक तो पैनल गला हुआ निकला है, तो दूसरी चीज़ इसके जब हमने अंदर से ये इसके कारपेट उठाए थे तो नीचे से इसका फर्श गला हुआ था सारा। तस्वीरें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीन पर। तो इस टाइम इसको पीस लग रहे हैं, इस टाइम ना इसको कम्प्लीट पीस लग रहा है। और आपको इसका मैं पैनल दिखाऊं, पैनल इसका ये चेंज हो चुका है, ये देखें, ये इसका पैनल काट के नया लगा दिया गया, उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे लगा है। उसके अलावा ये दरवाज़ा आपको मैंने बताया था, दरवाज़ा इसका हमने चेंज कर दिया और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया इसकी ग्राउंड, और ये भी अच्छा तैयार हो गया। अभी मैं पूरी गाड़ी की जो है ना इंस्पेक्शन करूँगा, जब ये काम कम्प्लीट हो जाएगा उसमें देखूँगा कि इसमें कहीं पर कोई टक वगैरह तो नहीं है, यहाँ कहीं पे कोई लाइन इसकी टेढ़ी तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमने सेट करनी है अभी। तो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद इसके ऊपर पेंट लगेगा। अभी अंदर से देख लें, इसके ऊपर पीस लग रहा है, ये इतना अच्छा कंप्लीट यहाँ से गला हुआ था, ये इतना इतना पीस इसका ना यहाँ से ये सारा गला हुआ था, इधर से ये पैनल वाली जगह भी अंदर से गली हुई थी। अब ये पीस लग रहा है इस टाइम पर, ये देख लें आपको मैं बता देता हूँ ये किस तरह से पीस लगते हैं, ये देखें ये पीस लगेगा, उसके बाद इसको पेंट लगाएंगे और फिर। और यार इसका ना अंदर से मैट हमने वॉश करवाने के लिए निकाला है और वो यकीन करो इतना गंदा निकला जिसका हिसाब कोई नहीं। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, वो फ़ोटो स्क्रीन पर देखें ज़रा, बहुत ही बुरी हालत है यार उसकी। उसको अच्छी तरह जो है ना वॉश करवाएँगे ताकि नए जैसा निकले। अभी यही काम हो रहा है इसलिए जो है इसका रुका हुआ था पेंट, ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर इसका जो है बेस कोट लगेगा और उसके बाद फाइनल पेंट इसके ऊपर लगेगा। अच्छा यार इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इसमें ये होंडा सिटी है, ये फ्रंट से और बैक से एक्सीडेंट थी तो ये रिपेयर हो रही है। उसके अलावा वो करोला है, वो भी एक्सीडेंट है, वो नीचे से लगी हुई है, इसका सस्पेंशन सारा तबाह हो गया। और इसी में ही ये सिविक है, सिविक एक्स, ये इसका गियर पड़ा हुआ, ये गियर इसका ख़राब हो गया तो इसका काम हो रहा है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला आगे आपको दिखाऊंगा चैनल पे और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी सिविक एक्स की, इसमें मैंने जस्ट आपको शॉर्ट वीडियो एक दिखाई थी तो काफ़ी लोग ना कंट्रोवर्सी में पड़ गए थे नीचे। तो मेरा मकसद जो है होंडा लवर्स को डिसहार्ट करना नहीं है, मैं खुद भी होंडा लवर हूँ तो होंडा रखी हुई है मैंने सिविक, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन अगर जो कोई चीज़ इसमें है, जो इसका कोई फॉल्ट है तो वो बताना मेरा फ़र्ज है, तो वो बताना भी चाहिए। और अगर करोला भी हमने रखी है 5-6 साल, अगर उसमें भी कोई फॉल्ट आता है तो वो बताना भी मुझे मेरा फ़र्ज है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। तो इसको जो है ना आप सीरियस ना लिया करें, इसको जस्ट मजाक में लिया करें। और अगर मैं इसको लिफाफा भी कह देता हूँ तो नाराज़ ना हुआ करें, ये भी तो सिविक है ना, इसको क्यों नहीं कोई लिफाफा कहता, क्योंकि ये गाड़ियाँ अपने दौर की अच्छी गाड़ियाँ हैं, इनमें कोई इस तरह के मसले मसाले नहीं आते, इनमें सिर्फ ये कंगी का ही मसला आता है। ये तो सिविक का जो है ना एक कह लेंगे लेगेसी है। चलें जी, आपको आज की अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियोज़ को,
और इंशाल्लाह ताला इसकी मैं नई एपिसोड आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें आपको फिर मैं इसका पेंट वगैरह दिखा दूँगा कि किस तरह हो रहा सारा। और ये जो तीनों गाड़ियाँ आपस में खड़ी हुई हैं इनकी क्या डिस्कशन हो रही है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो इंशाल्लाह ताला इसकी एक नई क्लिप के साथ हाजिर हूँगा। तो वीडियो आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, और स्पेशली ये वीडियोस उन लोगों के साथ शेयर किया करें जिन लोगों के पास इस मॉडल की गाड़ियां हैं मौजूद हैं, जैसे ये सिविक जिसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस मॉडल की गाड़ी जिन लोगों के पास मौजूद है और वो कोई काम करवाना चाहते हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और हो सकता है कि उनके लिए हेल्पफुल हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होता किसी को, तो वो वीडियोज़ में से हो सकता है उनके काम आ जाएँ। तो काइंडली जो है ना ये चीज़ें शेयर किया करें उन लोगों के साथ खास तौर पे। और हमारी वर्कशॉप जेल रोड लाहौर में है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं, और आप हमें सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ और जो प्रोजेक्ट की अपडेट्स वगैरह होती हैं वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। इंशाल्लाह सिविक की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।